और गुजरात के गोधरा में इसी मामले की सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। सीबीआई ने गोधरा पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया है। कल सीबीआई के 4 अफसर यहां पहुंचे थे, आज 2 और अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा पन्नों की फाइल टेक ओवर की जा चुकी है। नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। गुजरात के गोधरा नीट परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस के बाद अब सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। गुजरात पुलिस ने यह जांच सीबीआई को सौंप दी है। स्थानीय पुलिस की जांच रिपोर्ट को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। पुलिस ने सीबीआई को 1000 पन्नों की 7 फाइलें सौंपी है, जिसमें अब तक की गई जांच के बारे में पूरी जानकारी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई के 6 अधिकारी गोधरा पहुंच रहे हैं। 6 अधिकारियों की टीम नीट पेपर लीक के बारे में जगह जगह से जानकारी इकट्ठा कर रही है। गुजरात पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। आरोपियों पर 27 छात्रों से 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। पुलिस ने 8 मई को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में FIR दर्ज किया था। पेपर लीक मामले में ईडी के एक्शन को लेकर बड़ी खबर। नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच करेगी ईडी। चार्जशीट के आधार पर ईडी जांच करेगी। नीट मामले में जल्द FIR भी दर्ज करी जाएगी ईडी की तरफ से। जम्मू कश्मीर SI पेपर लीक केस में ईडी ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड यतिन यादव ने 30 लाख रुपए में बेचे थे पेपर। नीट पेपर लीक के तार बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं। अभी तक 4 राज्यों से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच एजेंसियां भी काफी एक्टिव हैं। जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियां नीट पेपर लीक मामले में शामिल हर चेहरे को बेनकाब करने में जुटी हैं। सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी के अधिकारी नीट पेपर लीक वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएंगे। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड यतिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर SSB ने 27 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित कराई थी। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी इस बात की जांच कर रही है कि यतिन यादव का संबंध नेट या नीट परीक्षा पेपर लीक मामले से तो नहीं जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यतिन यादव सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का किंग पिन है और उसने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपने सिंडिकेट के जरिए कैंडिडेट से संपर्क किया और 15 से 30 लाख रुपए में पेपर बेचा।